टीवी इंडस्ट्री में लीप ट्रेंड आम हो गया है। अक्सर सीरियल्स में लीप देखने को मिल जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पांड्या स्टोर, ये है चाहते, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य जैसे शोज में भी लीप आ चुका है। शो गुम है किसी के प्यार में भी इससे नहीं बचा है। शो में एक बार पहले जनरेशन लीप आ चुका है और अब जल्द ही नया लीप आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में एक नई कास्ट देखने को मिलेंगी। शक्ति अरोड़ा रिप्लेस हो जाएंगे, वो शो में ईशान का रोल प्ले कर रहे थे, अब जल्द शो को बाय बोलने वाले हैं। उनका कैरेक्टर बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाएगा। वहीं खबरें हैं कि शो में भाविका शर्मा नजर आ सकती है, वो फीमेल लीड ही रहेंगी। उनके साथ शो में नए एक्टर्स ज्वाइन करेंगे। शो में हितेश भारद्वाज, कावेरी प्रियम, वरुण जैन का नाम कंफर्म हो गया है और जल्द ही लीप के बाद वो शो में दिखेंगे। हितेश शो के नए हीरो होंगे। फिल्म बीट ने सोर्स के हवाले से लिखा, उडारिया एक्टर लीड रोल के लिए परफेक्ट है, हमें उनका ऑडिशन पसंद आया है, भाविका शर्मा के साथ वो अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें कास्ट किया है। बता दें कि कावेरी प्रियम को शो ये रिश्ते हैं प्यार के में देखा गया था, उन्हें गुम है किसी के प्यार में पैरेलल लीड रोल मिला है। शो की बात करें तो इसकी शुरुआत नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह लीड रोल में थे। उनके रोल को फैंस ने काफी पसंद किया था। लव ट्रायंगल चर्चा में रहा, इसके बाद शक्ति अरोड़ा और भाविका ने एंट्री ली थी। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ और हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।